वो ज़ूबिया और साइम के पीछे जो थॉट प्रोसेस और जो माइंड है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए <laughs> जो ज़ूबिया और साइम हमें रुला रहे हैं हर हफ़्ते और हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और हमें स्ट्रेस में अपनी कुर्सियों के एच पे बिठाया हुआ है ये शख्सियतें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं दिल मोम का दिया सुख चांदनी मोहब्बत गुमशुदा मेरी बिखरे मोती Uh, ये कुछ नाम हैं जो उनके बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स में से मैंने लिए हैं आपके सामने एक लंबी लिस्ट है जो शायद मुझे याद भी नहीं और मैं लेते लेते थक भी जाऊँ शायद शफात आज हमारे साथ स्टूडियो में है बिग नेम अ ग्रेट नेम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिग नंबर ऑफ बिग नंबर ऑफ़ सीरियल बिहाइंड हिज यू नो बॉडी ऑफ वर्क तो आज हम उनसे मिलते हैं कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कुछ उनके जर्नी के बारे में बात करते हैं और कुछ मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बारे में बात करते हैं है अच्छा। हाँ तो टाइम दिया और आप थिंक बिखरे डिस्कशन चल रही है मुझे आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन करनी है मैंने आपके बहुत से ड्रामे देखे हुए थे लेकिन आई थिंक वो जो हिट करते हैं ना कि ये ड्रामा इनका है जैसे अभी हम काफिर की बात कर रहे थे तो काफिर मैंने बहुत देर पहले देखा था एंड आई वाज लाइक ओ गॉड वो भी आपने डायरेक्ट किया था सेकंड आपका प्रोजेक्ट तो वो बिखरे मोती से मेरा कनेक्शन आपके साथ बनना शुरू जीड़ी। हुआ कि ओ oh, अच्छा आई वांट टू सिट डाउन विद यू एंड हैव अ लेकिन आप टाइम नहीं दे रहे थे अच्छा मैं मैंने कुछ आपकी चीजें देखी उसके बाद मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ बात करूं और करूं इंटरव्यू मुझे मुझे बहुत बहुत मैं एक तो बहुत शाय इंसान हूं इंटरव्यू देना आता नहीं है तो मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा क्या करूंगा मैं थोड़ा सा पीछे ही रहने वाला आदमी हूँ तो, तो और मैंने कुछ चीजें देखी थी फिर मेरे दोस्तों ने भी कहा नहीं वो बहुत अच्छा शो है आप जरूर जाए तो बन मैंने खैर ये बताएं मोहब्बत गुमशुदा मेरी उससे बिस्मिल्लाह करते फिर आगे जर्नी में चलेंगे वैन अमेजिंग प्रोजेक्ट माशाल्लाह माशाल्लाह से बट मुझे बताएं हो क्या रहा है यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी कर रहे हैं आप हमारे साथ <laughs> कि क्योंकि आई क्वेश्चन कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू से क्या हम कह रहे हैं कि घर से भागना कुछ सिचुएशन में सही है या माँ बाप गलत डिसीजन ले लेते हैं या बच्चों की बात नहीं सुनी जाती इतने ढेर सारे मैसेजेस हैं और इतने ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो ड्रामा मुझे सोचते पे मजबूर कर रहा है अच्छा इसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि आप मैसेज़ नहीं देते ओके okay. मैसेज देना भी नहीं चाहिए इस सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया क्या है yeah. कि इस सोसाइटी के अंदर डायलॉग बंद हो गए आप डायलॉग करने से घबराना शुरू हो गए yeah. मतलब किसी किस्म का पॉलिटिकल रिलीजन किसी yeah. भी हवाले से आप डायलॉग नहीं करते नहीं नहीं ये बात नहीं करो yeah. नहीं 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 इसको कुछ नहीं कहो ठीक yeah. है तो एक डिबेट एक अच्छा माशरा जो है एक डायलिटिकल कन्वर्सेशन से ही बनता है कि जी आपकी मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग अच्छे हैं ये अच्छा है ये, ये फैसला तो लोग करेंगे आपस में बैठ कर करेंगे मैं कोई प्रीच करने के लिए तो नहीं आया नहीं। मेरा तो काम यह कि क्वेश्चन रेज करूँ वो क्वेश्चन रेज हुआ जब आप ये कह रही हैं कि ये सवाल और ये सवाल वाकई बहुत ज़्यादा कभी लोग कहते हैं कि नहीं ये बच्चे बिल्कुल गलत हैं कभी कहते हैं कि पेरेंट्स गलत हैं तो कभी कहते हैं कि क्या होना चाहिए ये एक एक

So जी ये सवाल नहीं होते थे कि जी आ, लड़, बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ अब इस ड्रामे के बाद वो कहते हैं कि हमने बोला कि नहीं नहीं, नहीं दोनों सही हैं कि वो गलत नहीं हाँ. पहले से कि मोहब्बत का लफ्ज कहना बहुत सारी फैमिलीज में अजीब है कि लड़का लड़की से मोहब्बत कर रहा है ये देख लेंगे लेकिन खुद बोल नहीं सकते तो अब उनके पास एक जबान आई है पेरेंट्स अपनी लॉजिक दे रहे हैं वो अपनी लॉजिक दे रहे हैं और किसी जगह वो खुद पहुंचेंगे अच्छा अलमिया ये है और जो इस ड्रामे ने एड्रेस किया जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी दीज फैमिलीज़ आर एजुकेटेड और इनका एक्सपोजर है ये ऐसा नहीं है कि किसी पसमानदा इलाके से आई हैं या इनके पास तालीम की कमी है तो आपको पता चलता है कि ये जो इशू है ये कितना वाइड स्प्रेड है और ये कि पढ़ा लेंगे लेकिन शादी के वक्त बच्चों की मर्जी संभाव नहीं सुनी जाती है तो मुझे ये एंगल भी ड्रामे का बड़ा अच्छा लगा था अच्छा इसके अलावा मुझे ये भी लगता था कि मुझे किसी को भी आ, विलन नहीं बनाना और ना वो डिबेट ख़त्म हो जाती ठीक है मुझे मैंने अपने एक्टर से भी ये बात की थी कि मुझे ये नहीं दिखाना कि पेरेंट्स गलत हैं ठीक है या मुझे ये नहीं दिखाना कि जो है वो आ, बच्चे, गलत हैं मुझे ये दिखाना है कि सिचुएशन गलत है चीज़ों को हैंडल करना नहीं आ रहा बात, सब बात और यह बहुत सारी बड़े पढ़े लिखी फैमिलीज में भी exactly. इस सिचुएशन को संभालना नहीं आता कि किस तरह से संभालें और बच्चे भी बहुत जल्दी में होते हैं कि हर चीज़ जल्दी में हो जाए कि वो टीन एज तकरीबन बीस बाईस साल की इन लोगों की उम्र है तो उस उम्र के अंदर वो अक्सर यही सोचते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए देर नहीं होनी चाहिए तो वो वो नजर नज़र भी आ रहा है तो मुझे लगता था कि ये सवाल इस तरह से चीज़ें आए कि कोई विलन नज़र ना आए और वो वाकई कोई विलन नज़र नहीं आ रहा कि आपको दोनों की तरफ से सम्पत्ति होती है बच्चों ने गलती की गलती कर सकते हैं लेकिन वो उस पर शर्मिंदा भी है उस गिल्ट में भी जाते हैं, होती हैं। सही बात है जब आप कमेंट्स देख रहे होते हैं आपको रिस्पांस आ रहा होता है तो आप मजा आता है बैठ के आप देख रहे होते हैं हाँ, अभी तुम लोग ये सोच रहे हो दो एपिसोड के बाद तुम लोग कुछ और सोच रहे हो <laughs> थोड़ा सा आप इन्जॉय कर रहे होते हैं अच्छा, मैं... अच्छा इतने मजे का जर्नी ऑडियंसेस का हो रहा है आई आई मीन वुड रियली इट अगर मैं इस तरह की इतनी अमेजिंग चीज क्रिएट करूँ कि लोगों का थॉट प्रोसेस ही थोड़ा सा चेंज कर दू लोग समझे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे और आप किसी और डायरेक्शन में लीजिए मुझे आ, मैंने ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ता लेकिन जो कमेंट्स मुझे अपने जानने वालों से जैसे एक्टर्स हैं कि आ, आ, जो हमारे साथ काम करें वो लोग जो बताते हैं ना वो बहुत अमेजिंग होता है वो बहुत मज़े का होता है कि मतलब कहते हैं कि सड़क पर जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कितने बुरे हो यार बात मान क्यों नहीं जाते हो okay. इस तरह के कुछ लोग तो अच्छा। बच्चों को कह रहे हैं कि इतने बागी होने की क्या ज़रूरत है इंतज़ार कर लेते तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स वो बताते हैं कि किसी पार्टी में गए किसी दावत में गए तो उस तरह के लोग मिल जाते हैं कहते हैं क्या हो रहा है ये क्यों कर रहे हैं मान जाए ना क्यों नहीं मान रहे तो ये सब अच्छा ये मैंने इससे पहले प्लेज में नहीं देखा अपने मुझे और दूसरों का नहीं पता कि इसको अब वो ड्रामा नहीं समझ रहे वो समझ रहे हैं कि ये सारे करैक्टर्स हैं मौजूद ये कोई कोई एक न्यूज़ है जो चल रही है अरे भाई ड्रामा है इसको ड्रामा ही देखो लेकिन नहीं वो बहुत उसको इस हवाले से बहुत सीरियस ले रहे हैं मैं आपको बताऊँ क्यों इसलिए क्योंकि आपका जो प्रोसेस था ना वो बड़ा एक दैट्स uh, आई मैंने मुसलसल अपने रिव्यूज़ में ये बात बोली है कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी में ना एक तरीके से लेके चले हैं स्टेप बाय स्टेप तो हम उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ गए हैं Hmm. क्योंकि अक्सर ड्रामों में ना आप जुड़ते नहीं है कैरेक्टर्स के साथ फिर कुछ होता है तो हमारे वो इमोशंस नहीं होते क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं है हम जुड़े नहीं है हर, हमारी ग्रोथ और एवोल्यूशन कैरेक्टर्स के साथ नहीं हुआ नहीं। आप इतने अच्छे तरीके से लेकर गए कि हम जो जिस तरह कैरेक्टर्स इवॉल्व किए हैं कि जूबिया इस पॉइंट पे आई है जब वो के लिए शायद ये गलती थी मेरी यू नो साइम अपने माँ बाप की बात मान गया है दुख से मान रहा है लेकिन मान गया है तो वो पूरा एक प्रोसेस था हम उस प्रोसेस का हिस्सा थे आपने हाथ पकड़ के ना स्टेप बाय स्टेप हमें ले बिल्कुल ऐसे ही और देखिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे ना इतनी तो मेरे लिए तो मोहब्बत गुमशुदा मीन इट्स इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बिकॉज मुझे, हाँ. मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक एक्सप्लेनेशन है जैसे अभी दो किस्तों पहले जब वो हॉस्पिटल जाती है तो देर वाज़ अ रीजन शी वेंट टू तो द हॉस्पिटल ऐसे नहीं कि बस उसको साइंस से मिलवाना है तो बस पॉसिबल कर दो नहीं इट इट सो दैट इज वाई वेन यू डू दिस ऑडियंस इज इंटेलिजेंट दे अंडरस्टैंड इसलिए कनेक्शन इमोशनल बन बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है इसको इसी तरह से सबसे ज्यादा जो मुझे लग एफर्ट हुई थी ना वो इस चीज़ में हुई थी मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत आसानी से किसी जगह दानियाल का करेक्टर आपको बहुत नेगेटिव लगता है बल्कि मैंने एक फ्लैशबैक डाला था जब वो जाती है तो वो झूले yes, वाला सीन yes. वो वो स्क्रिप्ट yeah. में भी नहीं है yeah. लेकिन मैंने कहा था कि उसका एक हर इंसान के अंदर भी एक yeah. सॉफ्टनेस होगी उसका एक अच्छा रिलेशन था तो उसको याद कर सकता है तो वो फिर हमने कहा कि नहीं इसका भी एक एक मुझे ये लगता है कि एक ग्रे एरिया नजर आ रहा है इसके अंदर इसके अंदर बहुत ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि एक yeah. बुरा है यानी पूरी yeah. फैमिली को हम बहुत आसानी से चाहते कि वो जो हो दानियाल की फैमिली yeah. है वो बुरी हो सकती थी